खबर आपको जालौन से दिखा रहे हैं, जहां पर माधवगढ़ क्षेत्र के हरोली गांव में देवोत्थान एकादशी के पर्व पर हर साल की तरह इस साल भी दंगल लगाया गया था। इस दंगल का संचालन देवोत्थान एकादशी दंगल समिति कमेटी के द्वारा किया गया, जिसके अध्यक्ष रविंद्र सिंह, उपाध्यक्ष अनुराग प्रताप सिंह और कमेटी के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा सकुशल कुश्ती प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें गोपालपुरा निवासी जगमोहन पहलवान बुंदेलखंड के सिंह ने दूर दूर से आए पहलवानों का फूल मालाओं से स्वागत किया। वहीं पर झांसी ललितपुर से MLC रमा निरंजन भाजपा नेता ने बाहर से आए पहलवानों को बार बार नमन करते हुए कहा कि आपने बाहर से आकर हमारे दंगल की रौनक बढ़ाई है। और मौके पर माधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक मूलचंद रंजन हरौली, प्रधान बबलू सिंह, भूतपूर्व चेयरमैन माधवगढ़ कुंवर लाल मौके पर उपस्थित रहे। दंगल में दिल्ली, आगरा, राजस्थान, कानपुर, मध्य प्रदेश से आकर पहलवानों ने कला का प्रदर्शन किया और अपने बल और पराक्रम का प्रदर्शन दिखाया। क्या कुछ कहा ग्रामीणों ने, सुनिए। तो ये देवठान के दो तीन साल से शुरू पर, तो ये हरोली के पावन धरती पर ये हर पर्व पे लगता होगा, हर पर्व हर त्योहार पर मनाया जाता होगा ये दंगल। देवठान तो दंगल हो रहा है, ये कितने सालों से हो रहा है? चार पाँच साल हो चुके हैं इनको। तो ये किस पर्व पर मनाया जाता है ये दंगल? हमारे हो गए 5-6 साल हो गई, परमानेंट होता है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।